वेलकम टू बीके स्टडी 5-6। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि नाच गाना फिल्म इंटरटेनमेंट को सभी सपोर्ट करते हैं। एजुकेशन चैनल के लिए थोड़ी सी भी दिल में जैसे, तो प्लीज़ सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन तरफ। इससे पहले कहेंगे कि जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1949 और 26 नवंबर 1949। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा फटाफट बताएंगे। और सिर्फ टॉप 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन को ही कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, और पांचों के पांचों एक आप में महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इसमें होगा हमारा ऑप्शन बिल्कुल, जो हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही होगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फार्मूले के आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है? अब उस फार्मूले का नाम बताएंगे। ऑप्शन गुलजार डॉक्टर, कंदरून फार्मूला, गार्डनिंग फार्मूला या इनमें से कोई नहीं। यानी ये आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसके लिए फार्मूले के आधार पर किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा होगा बिल्कुल सी, यानी गार्डनिंग फार्मूला एक ऐसा है कि इसके आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप एशिया का सबसे बड़ा रोप कहाँ अवस्थित है? शिल्प किला हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल उत्तराखंड, मसूरी उत्तराखंड, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन हम बताएंगे कि एशिया का जो सबसे बड़ा रूप होता है वह कहाँ अवस्थित है। इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही होंगे बताएंगे आप। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि एशिया का सबसे बड़ा रोप गढ़वाल जो उत्तराखंड में अवस्थित है। अब चलते हैं डायरेक्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन थोड़ा सा इसमें बताएंगे कि एशिया का जो सबसे बड़ा रूप गढ़वाल में जानते हैं और ये अली को जोड़ता है, जैसे जोशी मठ एवं अली, यानी जोशी मठ और एक अली है उसको जोड़ता है, मूलतः यह उत्तराखंड में है। यह किस में है? उत्तराखंड में। जैसे नाम के पीछे भी हम दे दिए हैं, जैसे हम किसी नाम के पीछे, जैसे हम अगर इसमें सही होता है कि शिल्पकला तो ये हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी उत्तराखंड, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, इसीलिए हम नाम के पीछे दे भी दिए कि वो कहाँ से संबंधित है, तो गढ़वाल यानी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FEMM को कौन लागू करता है? अपराध नियंत्रण ब्यूरो, सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या परिवर्तन निदेशालय? तो आप बताएंगे कि FEMM को कौन लागू करता है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा होगा बिल्कुल सही कि यह जो है कि डी ऑप्शन कि FEMM को परिवर्तन मुख्यालय जो क्या होता है निदेशालय लागू करता है। अथवा तो इसमें जानेंगे कि ये क्या होता है, इसका मुख्य कार्य कि परिवर्तन निदेशालय इन्फ्रेंसमेंट या डेकोरेटेड या इसका मुख्य कार्य FEMA को लागू करता है, जो कब बना गया? 1999 में इसको बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन मूर्तिकला
के सर्वोत्तम उदाहरण हमें किस स्तंभों में देखने को मिलते हैं? रखवेल खरवेल शिलालेखों द्वारा, हाथी के गुफा के मूर्तिशिला या द्वारा अशोक के स्तंभों द्वारा। तो इन चारों में से किसमें हमको जो है कि मौर्यकालीन मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा बिल्कुल डी ऑप्शन, यानी इसमें डी ऑप्शन हमारा सही होगा कि मौर्यकालीन मूर्ति के सर्वोत्तम उदाहरण हमें अशोक के स्तंभों में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि एजुकेशन चैनल के लिए थोड़ी सी भी दिल में इज्जत है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी वीडियो भी समाप्त हुई, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।